فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين حمد الصلاة بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دا جذبہ جہاد یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں آج دا جمعۃ المبارک دے اندر خیبر دے حوالے نال بات کیتی جائے گی دعائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے رب العالمین نے امام الانبیاء دے صحابہ دا ذکر قرآن کریم دے اندر جگہ جگہ تے کیتا تو سورۃ انفال ایدی آخری آیتاں نے جڑیاں میں ہن تلاوت کیتیاں نے فرمایا والذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیتا فی سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے والذین آوا نصروا اولئک هم المؤمنون حقا اور او لوگ جنہاں نے انہاں نوں اپنی جگہ دتی گھر وچ ٹھہرایا فرمایا کہ اے حقیقت دے اندر مومن نے اولائک ہم المومنون حقا اے حقیقت دے اندر مومن نے لہم مغفرات و رزق کریم بے شک انہاں دے واسطے بخشش اور عزت دی روزی رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر صحابہ دیا کنیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے پہلی گل تو فرمایا کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے انہوں نے ایمان دی گل کیتی وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کیتی اپنا گھر بار چھڈیا وجاہدوا پھر جہاد کیتا فی سبیل اللہ اللہ دے دین واسطے اللہ دے دین دی سر بلندی دے واسطے فی سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے
वल्लज़ीना आवा नसरू, और वो लोग जिन्होंने इन लोगों को जगह दिती है, उन्होंने मदद की है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। फरमाया हकीकत के अंदर यही मोमन ने हिजरत करने वाले और अनसार उन्होंने जगह देने वाले, हकीकत के अंदर यही मोमन आ। लहुम मगफिरातुन व रिज़्कुन करीम, उन्होंने वास्ते बख्शिश भी आ और इज्जत की रोजी भी। तो सहाबा दी जिहड़ियां खूबियां कुरान करीम बयान कर रहा वा, उन्होंने ईमान की गवाही दे रहा वा कि उन्होंने ईमान भी आंदा, हिजरत भी की, जहाद भी किया। इमाम उल अंबिया जदों भी किसी जंग वास्ते जाते हैं तो नाल कौन जाता है, बोलो जरा, सहाबा। कौन जाता है? सहाबा। पहले जहाद तो लैके जिंदगी दे हजूर दे विसाल तक जड़ी जमात नू इमाम उल अंबिया नाल लैके जाते रहे, उन्होंने कहते हैं सहाबा। ओ मदीने दे रहन वाले होण या मक्क्यों आने वाले होण, ये दोनों जमात दोनों ग्रोह इमाम उल अंबिया दे नाल हर जहाद विच शामिल होंदे रहे। अल्लाह के नबी जदों मदीना पाक आए ना तो मदीने के अंदर अक्सरीयत लोगों की जिहड़ी सी ना वह यहूदी और ईसाई सी, यहूदीयत की कसरत सी, ईसाई भी हैं सन। ये अहले किताब आ, इन्हां नूं हजूर सलातो सलाम के हर गल का ही पता सी, मगर अल्लाह के महबूब का इन्होंने फौरी कलमा नहीं पढ़िया बल्कि उल्टा पासा ले लिया। चलो हजूर सलातो सलाम ने मदीना पाक आके इन्हां नाल मुआहदा किया भी गल ये आ कि तुसीं इत्थे दे रहिशी हो, असीं बाहरों आए हाँ, आपां इत्थे मिल के रहना वा, अगर कोई बाहरों आण के हमला करेगा ना तुहाडे ते हमला करेगा तो असीं तुहाडा साथ देवांगे, साढ़े ते हमला होएगा तो फिर तुसीं साडा साथ दोगे, मिल के रहना असीं, मज़हब तुहाडा अपना साडा अपना, इहदे ते कोई किसी ते भी पाबंदी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है कि उहदा मज़हब छडाउणा, ऐसी गल कोई नहीं। उन्हें कहा कि ठीक आ, असी जो तो दोनों ने इत्थे रहना वा तो ठीक है, फिर मिलके चलांगे, एक दूसरे का साथ देवांगे। मगर होया कि जो हजूर सलातो सलाम मदीना पाक ने और कुफारे मक्का ने मदीने ते चढ़ाई कर दी, ये तीसरी जंग है जिन्हों गजवा खंदक कहने, 10,000 का लश्कर लैके कुफारे मक्का मदीने ते चढ़ाई कर रहे हैं और प्रोग्राम ये लैके आ रहे हैं कि असा उत्थे छड़नी कोई शहर नहीं, मर्दां नूं कतल कर देना है, औरतां नूं गुलाम बना लेना है, बांदियां बना लेना है, बच्चों नूं लैके आना वा, यानी शहर कोई नहीं छड़ के आनी, इतना बड़ा लश्कर लैके आए ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ना मुशावरत दे नाल खंदक खोदी, अपना दफा करदे होया मदीने च रहिंदे होया उन्हां लोगों का मुकाबला किया। इधरों कुफार ने हमला शुरू कर दिता है, चढ़ाई कर दिती है, दूसरे पासे जिहड़े यहूदी मदीने च रहिंदे सन उन्होंने अंदरों बगावत कर दिती। मुसलमान तो वैसे तादाद के अंदर थोड़े सन लेकिन बहुत खतरा बन गया कि बाहरों कुफार घेरा पाया होया मदीने नूं, अंदरों यहूदियों ने कम दिखा दिता। चलो एक महीने के मुहासरे तो बाद जिहड़े मुशरकी ने मक्का सी उते नाकाम होकर वापस लौट गए ना, पिछे रह गए यहूदी और फिर उन्होंने निबड़े। फिर जदों सुलह हदीबिया होया ना कि मक्के वालियां दा मुसलमानां दे नाल ये मुआहदा हो गया कि 10 साल तक तुहाडी साडी लड़ाई नहीं होएगी, अमन हो गया मक्के वालों वालों।
पता लग गया कि मक्के विचों हुण कोई खतरा नहीं साडे वास्ते। लिखल खा कर लिया गया वा कि 10 साल तक ताड़ी साड़ी लड़ाई बिल्कुल बंद आ, अगर लड़ना होया तो 10 साल तो बाद लड़ांगे। ठीक हो गया जी। उस वेले फिर अल्लाह का हुक्म आया कि हुण यहूदियां नाल निबड़ो, इन्होंने जिहड़ा खराबी की सी ना इन्हां दा हुण इलाज किया जाए, इन्होंने पता लगे कि असीं की कुछ किया। खंदक तो बाद बहुत सारे यहूदी एक इलाका खैबर आ उत्थे चले गए। कुछ लोग उत्थे पहले तो ही मौजूद सन, कुछ मदीने लोग भी चले गए। इमाम उल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह का हुक्म होया कि हुण यहूदियां दे नाल निबड़ो, इन्हां नाल जहाद करो। अल्लाह के प्यारे नबी इमाम उल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नूं तैयार किया, फरमाया चलो भी खैबर वास्ते तैयार हो जाओ। लश्कर तैयार हो गया, उस लश्कर का सरबरा रब दा महबूब इमाम उल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम अपने जान निसार सहाबा नूं लैके खैबर दी तरफ चढ़ाई कर देंदे ने, खैबर दी तरफ रवाना हो जाते ने। रात का टाइम इधरों खैबर जड़ा वा एक बड़ा मजबूत गाढ़ा यहूदियों का, जिन्हां दे किले ने, किलियां दे अंदर ये लोग महफूज आ, उन्हां दियां जरूरत दियां चीज़ां सारियां किले दे अंदर मौजूद आ। कई महीनों तक अगर उन्हां दा मुहासरा कर भी लिया जावे उन्हां नूं कोई परेशानी नहीं, हर शय उन्हां दे मजबूत किले दे अंदर मौजूद आ। लिहाजा वो अपनी इस गल ते बड़ी मजबूती दे नाल अड़ जांदे ने, इसलिए कि असी महफूज जगह ते वा, बाहरों कोई भी बंदा आण के साडा मुकाबला नहीं कर सकदा। जिदा लाहौर शहर च किला है ना, तो उस वेले दे जिहड़े बादशाह सन ना वो अपने रात किलिया च हुंदे सन, दीवारां भी उच्चियां मजबूत दीवारां, कोई भी बंदा बाहरों आण वाला जल्दी नाल किले च दाखिल हो सकदा नहीं। रात नूं फिर पहरा भी उन्हां दा लगना, हर तरह तहफ़ आ। तो खैबर दे अंदर एक किला नहीं बल्कि 8 किले ने। लोग अपने आप नूं रात दे टाइम किलिया दे अंदर महफूज कर लैंदे ने, गल्लां वाफर मकदार दे अंदर, खाण दीआं चीज़ां वाफर मकदार दे अंदर, किलियां दे अंदर महफूज आ। इमाम उल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम खैबर दे तरफ जदों जांदे ने, खैबर वाले सुबह दे टाइम दरवाजे खोल के अपने खेतां दी तरफ जा रहे ने, जदों लश्कर नज़र आंदा वा दौड़ के वापस चले जांदे ने, दरवाज़ा बंद कर लेंदे ने। इमाम उल अंबिया अलैहि सलाम अपने सहाबा नूं फरमांदे ना घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना, अल्लाह ने फतह दे दरवाजे तुहाडे वास्ते खोल छड्डे आ, बस तुहां जाना वो अल्लाह ने कामयाबी दे देनी है। सहाबा इमाम उल अंबिया दे नाल कई किले फतह हो चुके ने, कई इलाके फतह हो चुके ने। आखिर कमोज का खिला वन जड़ा बड़ा ही मजबूत आ, बड़ा मजबूत दरवाज़ा वन, लोग किले के अंदर महफूज ने। इमाम उल अंबिया दे सहाबा इस किले वल भी चढ़ाई करते ने, लड़ाई वास्ते जाते ने, मगर कामयाबी नज़र नहीं आती। कई दिनों तो बाद इमाम उल अंबिया ने रात दे टाइम अपने सहाबा नाल बात की है, फरमाया सहाबा सुनो अल्लाह ने ये फतह का टाइम करीब लाया वा, सुबह जड़ा बंदा फौज का सरबराह बन के इस किले वल जाएगा बस अल्लाह ताला मुकद्दर च लिख छड़िया वा, कामयाबी उहदे नाम लिखी जाएगी। सुबह का टाइम हुंदा वा
इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नूं बुलांदे ने, ए जड़ी रात हर सहाबे दे ज़हन दे अंदर गल, काश मैनूं मौका मिल जावे। इसलिए कि इमाम अल-अंबिया ने फतह दा ऐलान पहले कर छड़िया वा, फरमाया रात हजूर ने फरमाया जड़े बंदे नूं मैं भेजांगा सरबरा फौज दा बनावांगा, उहदे हथ दे अंदर अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। वह बंदा अल्लाह का भी महबूब आ, अल्लाह के महबूब का भी महबूब आ, अल्लाह भी उहदे नाल प्यार करदा वा, अल्लाह का नबी भी उहदे नाल प्यार करदा वा, वह बंदा भी अल्लाह नाल प्यार करदा वा, अल्लाह के नबी नाल प्यार करदा वा। सारी रात सहाबा इस इंतजार के अंदर रहे, शायद मैनू मौका मिल जाए, सादत मैनू हासिल हो जाए। इसलिए कि कामयाबी का ऐलान इमाम अल-अंबिया ने पहले कर छड़िया वा। सुबह का टाइम होया ना, अल्लाह दे प्यारे महबूब फरमाया अली किथे ने, या रसूल अल्लाह अली खैबर के अंदर मौजूद आ, मगर अली ते बीमार आ, अखा की बीमारी आ, अखा सुजिया हुई ने, हत्ता के इथों तक हालात खराब ने, अली ते अपने कदम भी नहीं देख सकते, अली ते चल भी नहीं सकते, बिनाई का मसला बनया, अखा की खराबी का मसला बनया। अली उल मुर्तजा दे मुतलक इमाम अल-अंबिया फरमाते ने, अली नू जरा लैके आओ। सैयदना अली उल मुर्तजा नू लैके इमाम अल-अंबिया दी बारगाह दे अंदर हाजिर किया जाता वा। अल्लाह दे प्यारे महबूब अली नू गोदी दे अंदर लुटा लैंदे ने, अली दिया अखा दे अंदर अल्लाह दे प्यारे महबूब ने अपना लवे दहन लाया वा। अली दी उस वेले बीमारी खत्म हो जाती आ। अच्छा, इस जगह पर कई लोगों ने फजूल कहानियां बड़िया जोड़िया, ये गल्लां जरा ज़हन च बिठाणियां ने, रिकॉर्डिंग भी हो रही आ, और तुसी भी अपने ज़हन च बिठाओ भी अली उस वेले मदीने अंदर सन, अल्लाह के नबी ने मदीने वाल मूँह दे करके आवाज़ दी कि अली मेरी मदद वास्ते आओ। ये बात सिरे तो गलत हो, इहदा वजूद ही कोई नहीं, अली खैबर के अंदर ही मौजूद सन, लेकिन उन्हां दी अखां दी बीमारी इन्नी सी कि उन्हां नूं नज़र ही कुछ नहीं आता। और फिर ये भी सुनो, सहाबा पहले मौजूद हो, लश्कर पूरा मौजूद हो, सिर्फ सरबराह तब्दील किया गया, फौज का जिहड़ा नगरान आ ना, जिन्हों जनरल कह सकते हो, जिन्हें कमान करनी आ, ओही तब्दील किया गया, बाकी सहाबा सारे ओही सन। ये नहीं कि मैं हज़रत अली कल्ले जाके जंग की आ, ये बात सिरे तो गलत हो, वह हज़ारा का लश्कर जिहड़ा हजूर दे नाल पहले मौजूद है ओही नाल ने, सिर्फ फौज का सरबराह तब्दील किया गया। पहले कमान कभी किसी के हाथ में आ, कभी किसी के हाथ में आ, कभी किसी को भेजा जा रहा, मगर फौजी ओ ही लोग सन जेड़े रसूल अल्लाह के नाल मदीने तो गए हुए सन। सरबराह बदलता रहा, सिपा सलार फौज का बदलता रहा। अली मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला जो जान लगते ने, हजूर सलातो सलाम ने फरमाया अली पहले जाके उन्होंने इस्लाम की दावत देनी है, इस्लाम का पैगाम देना वा, जो मुसलमान हो जान लड़ाई की कोई जरूरत नहीं, आका किन्नी देर तक लड़ना वा। फरमाया जिन्नी देर तक त्याडे वांगू वह भी तौहीद और रिसालत दे कायल नहीं हो जाते, कलमा तौहीद पढ़ लैन, मेरी रसालत ईमान लै आन, फिर लड़ाई की कड़ी जरूरत आ। सैयदना अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला खैबर दे दरवाजे दे अगे पहुँच जाते ने, जाके ललकारते ने, आवाज़ देते ने, आवे मेरे मुकाबले ते, कौन मेरा मुकाबला करेगा। मुसलमानों सैयदना अली उल मुर्तजा की आवाज़ से खैबर का जड़ा बड़ा पहलवान बड़ा मशहूर आदमी है, ये मुतलक खैबर वालों की सोच है वा, ये जवान एक हज़ार बंदे दा कल्ला मुकाबला कर सकदा वा। इन्ना बहादुर आदमिया ना मरहब, उन्हें क्या मरहब दा मुकाबला हर बंदा नहीं कर सकता, हत्ता कि एक हजार बंदा भी एक साइड से आ जाए
तेरे मरहब कल्ला ही ओदे वास्ते काफ़ी आ। अली उल मुर्तजा दे सामने आंदा वा सैयदना अली उल मुर्तजा ने पूछा तू कौन, उन्हें क्या मेरा नाम मरहब वा, खैबर वाले मैनू जानते ने मैं किन्ना बहादुर हाँ किन्ना दलेर हाँ, इन्हें खोद लोहे का सिर ते पहने जिरा जड़िया ने एक सैड ते पहनी है एक बैक सैड ते पहनी हाँ लोहे की जिरा ताकि अगर नेजा आवे असर ना करें तलवार आवे तलवार असर ना करें। अली मुर्तजा भी बोलते ने फरमाया गल सुन मेरा नाँ अली आ, मेरी माँ ने मेरा नाँ हैदर रखिया होया वा, सामने आन के मुकाबला कर खैबर दे सामने किले दे सामने आन के ये दोनों जवान खड़े हो जाते ने मरहबा सैयदना अली मुर्तजा ते तलवार दा वार चलांदा वा हमला कर देंदा वा, अली उल मुर्तजा ढाल ते उदा वार रोकदे ने तलवार चलती है ढाल दे दो टुकड़े हो जांदे ने सैयदना अली मुर्तजा फिर अपना वार करदे ने हालांकि बज़ाहिर वो ताकत च ज़्यादा महसूस हुंदा वा जिसम दे अंदर ज़्यादा महसूस हो रहा मगर अली ओ ने जिन्हां दे अंदर कुवत खुदा दी है नबी दा वीरा सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला भरपूर तलवार दा वार करदे ने तलवार सिर ते चलदी है खोल कटिया जांदा वा सर दे दो टुकड़े हो जांदे ने तलवार नीचे आंदी है हत्ता के खैबर दा जिहड़ा पहलवान मरहब हा ओहदे दो टुकड़े हो जांदे ने दो टुकड़े हो गए मरहब दे और सामने लोगों ने डिगा होया। तो सैयद अली मुर्तजा फिर अगे चलते ने वो जड़ा किले का दरवाजा जिन्हों कई लोग मिल के जोड़ते सन बंद करते सन कई बंदियां दी ताकत दे नाल खुलदा वा हैदरे करार शेरे खुदा ने जाके खैबर दे दरवाजे नू हथ पा के जो कुवते हैदरी का मजारा किया अल्लाह दे वली दी शान ने सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा ने वो दरवाज़ा पुट के सैर ते गिरा दिता अपने साथियों नू हुक्म दिता जल्दी करके खैबर दे किले दे अंदर दाखिल हो जावो। यहूदी हैरान रह गए भई ये कौन इतने बहादुर बंदे ने जिन्होंने दरवाजा खेत छड़िया वो दौड़े उत्थों अपनियां जानां बचाने वास्ते को किसे पासे नूं दौड़िया को किसे पासे नूं लड़न दी ताकत उन्हां दी खत्म हो गई जदों फौजी अगे जाके लड़ दौड़ पैणगे फिर उन्हां मुकाबला की करना। सैयदना अली मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अपने साथियों के नाल खैबर ते काबज़ हो जाते ने हमला करन तो बाद फरमाया हुण इन्हां नूं मारना कोई नहीं जिहड़े मर गए तकरीबन 93 आदमी कतल हुंदे ने मुसलमानां दे भी चंद आदमी शहीद हो जाते ने आवाज़ आती है इन्हां नूं कैदी बना लिया जाए ताकि लड़ना ज़्यादा ना पवे जाना ज़्यादा ज़ाया ना हो जिहड़े दौड़ गए ने कोई गल नहीं जिहड़े मौजूद ने उन्हां दे वास्ते इहो ही हल आ कैदी बना लिया जाए। कैदी बनाने तो बाद इमाम उल अंबिया दी बारगाह दे अंदर हजूर सलातो सलाम दे ए सारे सहाबा कामयाब हो के वापस आंदे ने इमाम उल अंबिया खुशी दा जहार करदे ने इसलिए कि अल्लाह ताला ने फतह दे दरवाजे खोल दिते ने। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने जदों देखिया खैबर फतह हो गया वा मुकाबला वाला कोई सूरत हाल नहीं रह गई लोग दौड़ जाते ने अपनिया जाना बचाण वास्ते माले गनीमत बहुत ज़्यादा मुसलमाना दे कब्जे विच आंदा वा। अल्लाह दे प्यारे महबूब ने वो माले गनीमत जड़ा से फिर सहाबा दे अंदर तकसीम किया माले गनीमत दे अंदर कुछ औरतां भी कैदी बनिया वो औरतां भी सहाबा ते तकसीम सेम हो रही ने एक औरत जिदा नाम हज़रत सफिया वा ये यहूदियों का जड़ा बहुत बड़ा सरदार आ उहदी बीवी है सरदार दी बेटी है दया कलबी दे इन्हां दा नाल दया कलबी दे हवाले किया गया। कुछ लोगों ने आख्या हजूर हज़रत सफिया जड़िया ने इन्हां दा खानदान भी आला वा शौहर भी इन्हां दा सरदार आ लिहाजा तुसीं भी साडे सरदार हो इंतखाब ये होना चाहिए वा
सफिया नो तुसी अपने कोल बुला के फैसला फिर करो। अगर सफिया त्याडे नाल रहना चाहन, नकाह करना चाहन, आका तुसी करम फरमा लो, अपने नकाह दे अंदर कबूल फरमा लो। अगर ये वापस जाना चाहन ते फिर भी इन्हां नू आज़ाद कर दिता जावे। खानदान अच्छा वा, भावें यहूदी मज़हब आ, लेकिन खानदान पिछे नबियां दा वा। इमाम अल-अंबिया ने सहाबा दी इस गल नू पसंद कीता। सफिया नू बुलाया गया, सफिया मैनू पता लगा वा तुसी हारून अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों हो, मूसा अलैहिस्सलाम तुहाडा चाचा वा। अर्ज कीती आका हाँ। फरमाया फिर मैं तुहाडे वास्ते इजाजत देना वा, जाओ वापस जाना चाहो तो चले जाओ, मेरी वल्लों इजाजत आ, मैं तुहानू हुणे रिहा कर देना। सफिया कहंदियां ने हाँ। अगली गल हजूर ने फरमाया अगर चाहो तो फिर मैं तुहानू अपने निकाह विच लैण वास्ते भी तैयार हाँ, फैसला तुहाडा। अर्ज कीती आका मैं तेरी बीवी बनना चाहनी हाँ, अगर तुसी मैनू अपने निकाह च लै लोगे तो मैनू होर की चाहिदा वो। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया सोच लो। जी या रसूल अल्लाह मैं सोच लिया वा, बल्कि अज का नहीं सोचिया, मैं तो कई दिन का पहले का सोचा वा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया सफिया की कहंदियां जे। अर्ज कीती आका हाँ। एक दिन ऐसा होंदा वा मैं ख्वाब देखनी हाँ, ख्वाब दे अंदर आसमाना का चन्न लैके मेरी झोली में आ गया, मैं उस चन्न नू लै लैनी हाँ ते दिल नू बड़ा सुकून आंदा वा, ख्वाब बड़ा मज़ेदार आ। आका मैं अपने शौहर दे नाल सुबह बात करनी हाँ, राती मैनू ख्वाब आया वम आसमाना का चन्न लैके मेरी झोली दे अंदर आया वम, बस इन्नी गल सुन दी देर मेरा शौहर इन्ना गुस्से में आंदा वा, आन के गुस्से दे अंदर चेहरे ते चंड मारदा वा, या रसूल अल्लाह तुसी देख रहे हो मेरी अख दे अंदर जख्म होया वम, ये उस चंड का ही असर आ। या रसूल अल्लाह ते नाले उन्हें एक बात की है, जड़ा तू ख्वाब देखिया वम लगता वा जड़ा मदीना दा सरबरा वा उहदे बीवी बन दे ख्वाब देख रही है। इस तबीर है वा कि जड़ा मदीने दा सरबरा वा उहदे बीवी बन दे, बोलो जरा, ख्वाब देखनी है। आका मैं उस दिन तो फैसला कर लिया सी कि अगर जिंदगी दे अंदर ऐसा मौका आया तो मैं तुहानू ही तरजीह देवांगी, त्यानों ही कबूल करांगी, अपने शौहर वाल नहीं जावांगी। अल्लाह ने मौका दे दिता, हुण मैं वापस क्यों जावां। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सफिया नूं अपनी जौज़ियत दे अंदर लै लैंदे ने। अल्लाह दा कुरान कहंदा वा ए नबी दियो बीवियो तुसी आम औरतां दी तरह नहीं, तेरा कोई खास मुकाम हो गया। अन्नबीउला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। फरमाया नबी मोमना दियां जाना दा मालिक जाना तो ज्यादा करीब आ, व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम ते नबियां दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने। आका ए मुकाम अल्लाह ने मैनू अता कर दिता, ए सादत अता कर दिती है। मुसलमानों इमाम अल-अंबिया ने निकाह करन तो बाद सहाबा दा वलीमा भी कीता वा। जरा कह दियो सुभान अल्लाह। इस खुशी दे अंदर वलीमा कीता, दावत कीती है, ते दावत बहुत बड़ा इहतमाम नहीं कीता गया, बस जो भी सहाबा कोल है सी ना, खजूरां सी, पानी सी, या फिर रोटी के टुकड़े सन, थोड़ी बहुती रोटियां। हजूर ने फरमाया दस्तरखान विछा दिता जाए, दस्तरखान विछाया गया, जो भी किसी को है वह फरमाया इसे रख दिता जाए, रखिया गया। फरमाया सहाबा खाना खाओ तो ये हो मेरी शादी का वलीमा। तो पता चलिया भाई कोई वलीमा खास एहतमाम करने का ना नहीं, कि बहुत बड़ा खाना तैयार हो फिर वलीमा होंदा वा, बहुत बड़ी दावत हो फिर वलीमा होंदा वा। निकाह तो बाद जो खुशी से खाना पकाया जाए ना, भावें थोड़ा ही हो,
लोगों नूं खिलाया जावे उहदा नां ही वली मामा। यह हजूर की सुन्नत आ, ठीक है जी। इमाम उल अंबिया अलैहि सलातो व सलाम खैबर तो वापस आ रहे ने, एक जगह ते आण के सहाबा फिर नाल रुक जांदे ने। असर दी नमाज दा टाइम हुंदा वा, अल्लाह दे प्यारे महबूब अजे उस खैबर ते एक वाक्या होर सुनो जिहड़ा सीरे दियां किताबां दे अंदर, हदीस दियां किताबां दे अंदर मौजूद आ। इमाम उल अंबिया अलैहि सलातो व सलाम दी बारगाह दे अंदर यहूदियां ने खाना तैयार कीता, खाना लैके इमाम उल अंबिया दी बारगाह च अंदर हाजिर हुंदे ने। अल्लाह दे नबी ए खाना थोड़ा जिहा तनावल फरमा लवो, बकरी का खाना गोशत रोस्त किया हो बकरी का, हजूर के सामने पेश किया गया। वो जिस बर्तन के अंदर खाना सी ना, हजूर ने यूं ही लुकमा एक उठाया, एक बोटी उठाई गोशत की, अपने मुँह के कोल जाके लाई, ये थोड़ा जहा जायका लिया, यानी पूरी बोटी खाधी नहीं, बस अपने जबान से चखी ये जायका ले लिया। वो नाल साथी जड़े बैठे सन फरमाया रुक जावो खाना ना खायो। आका क्यों? फरमाया कि आ जड़ा गोशत आ ना, ये मैनू दसदा कि या रसूला मैनू ना खायो, मेरे अंदर जहर मिलाया होया वा, मेरे अंदर जहर मिलाया होया वा। इमाम अल अंबिया ने यहूदियों नू बुलाया, इधर आओ, पहली गल तो यह दसो कि तुहाडे बाप का नाँ की है, तुसीं किस खानदान चो? उन्होंने कोई होर ही ना लिया दिता, जिहड़ा असल ना सी ना उन्हें ना लिया। हजूर ने फरमाया सही ना दसो तुहाडे बाप का ना की है। जब उन्होंने ना ना दसिया तो हजूर ने खुद दसिया कि तुहाडे बाप का ना है जे, तुसी इस खानदान विचों हो। अच्छा सोचने वाली बात आ, किसी भी बंदे दे बाप का सही पता किन्नू हुंदा है? बोलो ना जरा, मां नूं बोलो जरा, किन्नू पता है? मां नूं। उन्होंने नाल लका लिया ना, उन्होंने सही बोलिया ही ना। रसूल अल्लाह ने फरमाया तुहाडा फलां बाप आ, तुसीं गलत कहंदे हो। चलो उस औरत नूं बुलाओ जिन्हें खाना भेजिया, उस औरत नूं बुलाया गया, पुछया भाई तू खाने के अंदर जहर मिलाया वा? उन्हें क्या हां मिलाया वा, क्यों? उन्हें कहा इस वास्ते कि मैं वेखना चाहती सी कि तू अल्लाह का नबी है वा या नहीं, अगर तो नबी होएगा तो बच जावेगा, अगर नहीं नबी होवेगा तो एक आम आदमी ने नबूवत का ऐलान किया वा, उदों तो साड़ी जान छुट जाएगी, वो मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तवज्जो करो जरा इस गल ते, जरा गौर करो, बकरी ज़िबा की गई उत्ते एक मौत वाक्या हो गई, फिर उन्हें पकाया गया उसते दूसरी मौत वाक्या हो गई, फिर तीसरा जहर इन्ना तेज आ कि हजूर ने सिर्फ जबान ते लाया वह खादा नहीं, और उदों ही दस दिता कि जहरीला जहर बैठे हुए सन, एक लुकमा उन्होंने ठा लिया, खा के अजे खलक तो थले उतरिया तो जहर इन्ना तेज सी कि नाल शहादत हो गई। यदि अंदाजा करो कि किन्ना गज़ैर तेज होगा कि जिन्हें चंद घड़िया भी नहीं जिंदा रहन दिता, फौरी मौत उन्होंने वाकया हो गई, शहादत हो गई। हजूर सलातो इस्लाम ने फरमाया कि सौरत के पारों एक बंदा शहीद हो गया, बदले बच्चे भी कतल कर दिता जाए। अल्लाह का फरमान आ, जिहड़ा कतल करे बदले बच्चू भी, बोलो जरा, कसास के अंदर बदले के अंदर कतल करो, इस जिंदगी है इंसान की। जो हजूर मदीना पाक गए ना, फरमाया अच्छा जहर इन्ना तेज सी अजे तक मैं जहर महसूस हो रहा वो, हालांकि खादा नहीं, सिर्फ जबान ते रखा गया, जबान ते रखने तो बाद खत्म भी कर दिता गया, गिरा दिता गया बाद। बल्कि हजूर सलातो सलाम ने जो विसाल का वक्त आया उस वे भी इस गल का इजहार फरमाया, ऐसा वो जड़ा जहर खैबर के अंदर मैं चख्या सी ना, उदा असर हुण भी महसूस हो रहा, अंदाजा करो कितना जहर सी, उदा असर खत्म ही नहीं होया। इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
एक अगे मुकाम ते आन के ठहर देने। असर की नमाज का टाइम होया, हजूर सलातो सलाम ने फरमाया सहाबा नमाज की तैयारी करो, वजू करके तैयारी कर रहे, अजान हो गई असर की। अली उल मुर्तजा हजूर ने किसी काम वास्ते भेज दिता। अल्लाह के प्यारे महबूब इमाम अल-अंबिया अलैहि सलातो सलाम नमाज असर सहाबा दे नाल जमात की सूरत के अंदर अदा फरमाते ने। अली बाद विच आंदे ने, जदों अली नूं पता चलिया जमात हो गई आ, अल्लाह दे महबूब ने फरमाया अली तुसी जरा मेरे वल आओ। अली मुस्तफा वल आंदे ने, अल्लाह दे प्यारे महबूब फरमाते ने अली जरा थोड़ी देर वास्ते मैं आराम करना चाहना, जरा बैठ जाओ। ये इमाम उल लंबी याद आ सैयदना अली मुर्तजा नाल किन्ना प्यार आ, किन्नी क मुहब्बत आ। हुण सर नबिया दे सरदार दावा गोदी औलिया दे ताजदार दिए, गोदी दे अंदर मुस्तफा ने अपना सर मुबारक रखे आ। असर तो मगरब दा दरम्यान अल्लाह दे महबूब आराम करन लग पैंदे ने। अली किन्ना खुश नसीब आ, तेरिया निगाह मुस्तफा दे चेहरे दा दीदार कर रही ने। आरफा दा सुल्तान सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस मंजर नूं बयान करते ने। आप कहते ने ए तन मेरा चश्मा हो ते मैं मुर्शद वेखना रजा हो सारे कर कह दियो सुभान अल्लाह। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रजा हो। लो लो दे मुंडे लखे लख चशे मा ते मैं इक खोला इक कजा सब नयावे ते मैं होर किते वले पजा दीदार जहजे रत बाहो मैनू लख करोड़ हजा
कह दो जरा सुबहान अल्लाह। और शबीर शाह साहब आते ना इतने बोले आला है तो एक दो दफा क्या कहो सुबहान अल्लाह, तो बंदे ध्यान ही ना कर, कहना जहाज ही कट्ठे हो जरा खोल के कह दो सुबहान अल्लाह। इमाम उल अंबिया अली उल मुर्तजा दी गोदी दे अंदर आराम कर रहे हो, बल्कि कुछ उलमा कहंदे आ हजूर सुते हुए नहीं सन, वही आंडे पीछे क्यों? ये हजूर ने खुद फरमाया वो असर तो बाद ना सवो, ते अल्लाह दा नबी अपनी कीती हुई गल ते उल्ट चलदा। बोलो जरा भाई हजूर जो तो खुद कहंदे ने असर तो बाद ना सवो तो हजूर फिर क्यों सुते? और कहंदे ने हजूर ते कफियत वही दे नाजल हो रही सी, इस वजह तो अली उल मुर्तजा ने हजूर नू बेदार नहीं किया। तो ठीक है जी, तो हजूर नू दिल करेगा उठ पैणगे। होया कि सूरे गुरूब हो गया, अली उल मुर्तजा की नमाज कजा हो गई, और नमाज भी हो वह जिदे मुतलक अल्लाह का कुरान कहंदे हाफिज़ू अलसलावाती वस्सलातिल वुस्ता वकूमू लिल्लाहि कानितीन। लोगों नमाजों की हिफाजत करो, और खसूसी तौर पर दरमियानी नमाज सलाते वुस्ता। अली उल मुर्तजा अमीर उल मोमिनीन खलीफा तुल मुसलमीन जिन्हों तो वलायत चलती है मुसलमान, तवज्जो करो, एक दर्स दिता लोगों को अली दी अखां च आंसू आ गए, जारो कतार रोन लग पे। नुकसान की होया सी? बोलो जरा, नमाज कजा हो गई, कोई माल का नुकसान नहीं होया, कोई जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं होया, नमाज का नुकसान होया वा टाइम गुजर गया, सूरज गरूब हो गया, इस गलते अली परेशान हो गया। मुसलमानों जरा सोचो, जरा खुद फैसला करो भाई, हजार हर नमाजा अली ने पढ़िया हो जिंदगी अंदर, किसी टाइम अगर पिछा हो ही जाता बंद को, मगर आज कैसी हालत हो, परेशान ते अखां दे अंदर आंसू, और फिर आंसू जड़े आ ना गिरे ने ते मुस्तफा दे चेहरे ते गिरे आ, जिन्हों रब फरमांदा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, मेरे महबूब तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फां की कसम, चेहरा मुस्तफा ते आंसू गिरे अली उल मुर्तजा दे। हजूर ने फौरी अख खोली, अली की गल परेशान हो गए, अर्ज की आका नमाजी असर कजा हो गई आ, बस यही गम इन्ना होया, यही परेशानी इन्नी हुई आ कि यह हालत तुसी देख रहे हो मेरी, एहो कफियत गारे सौर के अंदर अबू बकर सदीक ते भी वारद हुई सी, जो सैयद अबू बकर सदीक की अड्डी के अंदर सप ने डंग मारिया तो सदीक दी अखां च भी आंसू आए, तो कित्थे गिरे? चेहरा मुस्तफा ते। इमाम उल अंबिया ने फरमाया अली कोई गल नहीं, मेरे रब का ऐलान हो, ला इकराह फिद दीन, दीन दे अंदर कोई सख्ती नहीं, कोई नहीं अगर नमाज कजा हो गई आ हुण तुसी पढ़ लवो। अली आख्या या रसूल अल्लाह ये कितां दी बात आ कि तुहाडी गुलामी दे अंदर होवां, तुहाडी खिदमत दे अंदर होवां और फिर नमाज ज़ाया हो जाए, लोग बाद विचारण वाले की कहणगे? अली तुसी चाहते की हो? सैयद अली उल मुर्तजा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं चाहना वा कि असर का टाइम आवे तो अली फिर नमाज अदा करे। इमाम ओलंपिया ने हदीस दियां सारियां किताबां दे अंदर बात मौजूद आ, अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ उठाए दवा की मौला अली तेरी अतात विच तेरे रसूल की अतात विच सी, तू इहदे वास्ते सूरज नूं वापस मोड़ दे। बस मुस्तफा ने दुआ करके हथ चेहरे ते फेरे ते डुबिया आ सूरज, फिर असर दे टाइम ते आ गया। हालांकि सूरज जदों गुरबू हो जाए तो फिर वापस आंदा। बोलो जरा को मोड़ के दिखाड़े हैं भला। आला हज़रत एवें नहीं फरमांदे ने सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद शारों से
से हो चा क्यों सूरज उल्टे पाओ पलटे ते चांद शारों से हो चाक अंधे नजदे देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के अंधे नजदे देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की इमाम अंबिया ने यूं ही हाथ मुबारक चेहरे ते वापस आंदे ने डुबियाया सूरज फिर असर दे मुकाम ते आ जांदा वा ए मुस्तफा नूं अल्लाह ने शान अता कीती है वरना रब दा पैगाम आ जांदा महबूब कोई गल नहीं मेरा कानून आ सूरज अपनी मंजिल की तरफ जा रहा चंद अपनी मंजिल की तरफ जा रहा वा अगर सूरज गरूब होया तो कोई गल नहीं अली रुको कज़ा पढ़ लवे मैं कबूल कर लवांगा इहदे अंदर भी हर्ज कोई नहीं सी मगर अली ने अर्ज की आका नहीं इदा नहीं और गल सुनो हदीस दियां किताबां च बात मौजूद आ कुछ लोग इसते भी इतराज़ करते हैं कि ऐसा नहीं होया वो कहते ऐसा हो नहीं सकता कई लोग उन्हां लोगों दियां गल्लां ते भी लग जांदे आ बजाते खोते हदीस की किताब वेखी कोई नहीं हुंदी भी क्या वाकया ही मौजूद है वाकया कि नहीं है तो याद रखो फिर साढ़े उलमा की मेहनत है उन्होंने किताब ही पूरी इस मौजूद लिख दी सिर्फ एक ही हदीस से जिदे अंदर जिन्या हदीसा हैं सन ना जड़ी जड़ी किताब के अंदर भी है सी सारियां कट्ठियां करके एक किताब दे दी कि लो अगर ईमान है तो फिर ईमान लै आना जो कुछ नहीं पल्ले है तो फिर सत्यानाश तो है ही आ मुसलमानों खैबर का वाकया मुस्तफा या अली मुर्तजा दोनों ही गए बोलो जरा जिन्होंने थोड़ी समझ आती कह दो सुभान अल्लाह खैबर के अंदर मुस्तफा का लश्कर सहाबा की जमात जिन्हों की मौजूदगी के अंदर वाकया पेश आता वा साढ़े बंदे परेशान हो जाते जो ये गल्लां करते हैं या सुनते हैं ना उदों ये महसूस हो रहा हों भी खैबर चली सन या हजूर सी हालांकि कोई सीरत की किताब उठाओ मुस्तफा मदीने तो लश्कर लैके गए ने सारे सहाबो हजूर के जितने गुलाम मुसलमान ने सारे नाल आओ हाँ फौज का कमांडर तब्दील किया गया यह गल जरा जहन च बिठाओ खैबर के मौके पर अली उल मुर्तजा क्यादत दी गई कह ली तुसी जाके हुण हमला करो ना जरा और अगली गल खैबर और वो नाल एक होर इलाका उन्होंने कहें फिदक जेड़े शिया के बच्चों तक रोंदे ने कि फिदक साडा कब्जे च लै लिया इतने मैं जुम्मे को गल करा थोड़ी जी और वजह कि जरूरत है बंदियां नूं गल क्लीयर कर दी कि यार ये गल की आ अगर उन्होंने पूछ लो ना भी फिदक है कि शैब आ ये भी नहीं पता उन्होंने इस गल का भी कोई पता नहीं रोंदे सारे ही जाकरा तक रोंदे आ कि सहाबा ने फिदक लै लिया फिदक लै लिया तो कि जगह सी की मसला सी उत्थे इस गल का कभी पता बोलो जरा तुसी पूछ के देख लो भी फिदक कि शै सी की मसला सी उत्थे इंशाल्लाह ताला अगले जुमे च मैं इस जरा गल करांगा ताकि कुछ ना कुछ बंदियां तक पैगाम पहुँचे दुआई कर अल्लाह ताला इमाम अल-अंबिया और सहाबा दी सच्ची और पक्की मुहब्बत अता फरमाए आमीन वमा अलैना।